अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग थॉमस कॉलम्बस के एक्सरसाइज 3.9 को सॉल्व कर चुके हैं। उसके अंदर जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व किए। अगर आप लोग उन लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो उनकी प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन पर भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूँ तो आज के लेक्चर में हम जो नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है, बेसिकली प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3, इसकी हम लोग जो है ना वो बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स कह रहे थे कि आप लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करवाया करें ताकि हमारी जो है ना वो पूरे के पूरे चैप्टर की रिवीजन हो जाती है इससे, तो इसलिए मैंने सोचा कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी आपको करवा देते हैं ताकि आपकी जो है ना वो रिवीजन हो जाए। इसके अंदर हमारे पास जो टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस, डिफरेंट से आपको फंक्शन दिए हुए हैं और उसका हम लोगों ने डेरिवेटिव निकालना है। अब अगर आप लोग सारा का सारा चैप्टर पढ़ चुके हैं तो ऑब्वियसली ये आपके लिए ईजी होगा। हम भी स्पीड से जरा चलेंगे ताकि, क्योंकि आपने आपके ऑलरेडी जो है चीजें क्लियर हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ठीक है। तो आज का एक्चुअली अगर बात करें तो इसके अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक देखेंगे, 10 तक सॉल्व करेंगे, क्योंकि 40 तक क्वेश्चन है जो हमारे पास डेरिवेटिव्स के, जिनका हम डेरिवेटिव निकालना है। बाकी डिफरेंट पोर्शन हमारे पास इसके आगे हैं, तो 40 के 40 क्वेश्चन तो एक लेक्चर में कवर नहीं हो सकते, इसलिए मैं 10 10 क्वेश्चन करके लेक्चर को कवर करूंगा। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक देखेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, बताकर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो देखता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, कहता है y which is equal to x की पावर 5 माइनस 0.125 x के पास 0.25x। सिंपल हमने इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो हमारे पास x यूज हो रहा है, तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप लोग dy ओवर dx which is equal to, यहाँ इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे पावर रूल लगेगा। अब ये पावर रूल मैं हर तकरीबन लेक्चर में बता चुका हूँ कि पावर रूल क्या होता है, क्वेश्चन रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, एल ऑपरेटर रूल क्या होता है, ये सारे के सारे डेरिवेटिव के बेसिक रूल्स है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इन वीडियोज को लाजमी देखिए, जाके उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन पर भी जाकर आपको चेक करें, विजिट करें, लेक्चर को लाजमी देखें। उसके बाद हम आप देखें यहाँ पे हमारे पास लगेगा पावर रूल। अब पावर रूल क्या होता है, पावर आ जाती है पीछे और ये जो वेरिएबल इसकी पावर लेकर माइनस कर देते हैं, ये 4 बन जाएगा, ठीक है जी। अब दोबारा से हम एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, हमारे पास 1 आता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो माइनस अब 0.125 एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी पावर लगेगा 2 पीछे आके इस 0.125 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, और एक्स की पावर में माइनस करेंगे तो यहाँ पे एक्स रह जाएगा प्लस, यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है ये 0.25 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, एक्सेलरेटेड वन होता है उसको रहने देते हैं, ठीक है जी। अब देखें जी हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, dy over dx which is equal to 5x की पावर 4 माइनस, अब मेरा मैथमेटिक्स बहुत वीक है इतना मुझे नहीं आता, तो 2 को 0.125 से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे आप यूज कर सकते हैं, 0.25 करेंगे मल्टीप्लाई आएगा जी आपके पास 0.25x प्लस 0.25, ये वैसे का वैसे आ चुका। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 1। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में ख्याल से आप खुद करें, खुद ट्राई करें, वो भी ऐसे कैसे सारे सारे क्वेश्चन वैसे ऐसे ही है, तो क्वेश्चन 2 खुद ट्राई करें, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं जी क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे, y which is equal to x cube minus 3 into x square plus pi square, उसने आपको दिया हुआ है, तो डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा जी आपके पास dy over dx which is equal to, इसका डेरिवेटिव ये बनेगा जी 3x square, उसके बाद minus 3 तो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब x square का डेरिवेटिव होता है आपके पास 2x plus pi square, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव आपके पास 0 होता है। तो ये देखें जी हमारे पास क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका और हमारा आंसर भी आ चुका है जी, यहाँ पे आपके पास 3x square minus 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 2 6x, ये आंसर बी ठीक है। लेकिन यहां से अगर आप लोग 3x को कॉमन लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, आप ले सकते हैं dy ओवर dx व्हिच इज इक्वल टू 3x का हम लेता हूं, तो यहां पे आपके पास बचेगा x माइनस, यहां पे बचेगा 2। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप लोग हैंडरिटन नोट्स बाय करना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है y व्हिच इज इक्वल टू x की पावर 7 माइनस के रूट 7x माइनस 1 ओवर पाई प्लस 1। अब ये तो सारे का सारा कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसके अंदर x तो मौजूद ही नहीं है, हमें डेरिवेटिव लेना था x के रिस्पेक्ट से, यहां पे जो वेरिएबल यूज हो रहा है, डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा dy ओवर dx व्हिच इज इक्वल टू, इसका बनेगा 7x की पावर 6 प्लस, अब x का डेरिवेटिव 1 होता है उसके रूट 7 वैसे का वैसे आ जाएगा माइनस, ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फाइनल आंसर आपके पास आएगा जी dy ओवर dx 7x की पावर 6 प्लस के रूट 7। This is the final answer of question number 4।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है y इज इक्वल टू x + 1 का स्क्वायर x के पास 2x ने आपको दिया हुआ है। ऑब्वियसली दोनों के सेंटर में कोई साइन नहीं है तो ऑब्वियसली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है वो आप एक्चुअली लास्ट में देखिए जाके, यहां पे भी आपको बता देता हूं dy ओवर dx व्हिच इज इक्वल टू। प्रोडक्ट रूल के अंदर सबसे पहले फर्स्ट टर्म को आप लोग वैसे का वैसे लिखते हैं x + 1 का स्क्वायर लिख लें, फिर आप लोग जो है वो डेरिवेटिव लेते हैं d ओवर dx दूसरी टर्म का x² + 2x का, फिर आप लोग प्लस लिखते हैं, फिर दूसरी टर्म आप लोग वैसे का वैसे लिखते हैं x² + 2x, फिर आप लोग फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं x प्लस वन का स्क्वायर। ये होता है बेसिकली हमारे पास प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट हाँ जी हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करते हैं dy ओवर dx व्हिच इज इक्वल टू x प्लस वन का स्क्वायर, तो वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इसका हमने लेना डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 2x का डेरिवेटिव होगा 2 प्लस हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 2x, वैसे का वैसे आ जाएगा। जहां पर डेरिवेटिव लेंगे तो ऑब्वियसली पावर लगेगा तो 2 आ जाएगा पीछे, 2 आ जाएगा पीछे, तो x प्लस 1 की पावर में माइनस करेंगे तो वो 1 ही रह जाएगा। उसके बाद x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 डेरिवेटिव 0 होता है, उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो देखें जी हमारे पास dy ओवर dx व्हिच इज इक्वल टू, अब अगर आप लोग जो है ना वो देखें यहां पे इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूं तो 2x + 2 बनता है यहां पे ना, इसको अगर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूं तो ये बनेगा आपके पास 2x + 2। मैं 2x + 2 ही लिख लेता हूं, यहां पे लिख लेता हूं जी मैं यहां पे 2x + 2। अब इसे मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये देखें 2x + 2 इस साइड में भी मौजूद है, 2x + 2 उस साइड में भी मौजूद है, तो मैं 2x + 2 को ले लेता हूं कॉमन। तो अगर मैं कॉमन लेता हूं 2x + 2 को तो अंदर मेरे पास यहां पे क्या बचेगा जी, हमारे पास बचेगा x + 1 का स्क्वायर प्लस यहां पे हमारे पास बचेगा जी x² + 2x, यहां पे बच जाएगा। ठीक है जी, इतना भी इसका आंसर काफी है। अगर मजीद आप उसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं इसका आप फॉर्मूला ओपन करके उसको मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं बुक पे क्या उसने सिंप्लीफाई किया हुआ कि इतना ही आंसर लिखा हुआ है, तो मुझे सिंप्लीफाई किया हुआ है जी, मुझे इसकी सिंप्लीफाई आप लोग उसको इजीली कर सकते हैं dy ओवर dx व्हिच इज इक्वल टू 2x + 2। इसको आप लोग उसका फार्मूला ओपन करेंगे तो ये बनेगा जी आपके पास x² + 1 का स्क्वायर 1 + 2x + x² + 2x आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहां पे इसको मुझे देखेंगे हमारे पास क्या बनेगा dy ओवर dx व्हिच इज इक्वल टू, यहां से भी आप लोग 2 कॉमन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं लेना तो रहने दे, 2 * x + 1 कॉमन लेना चाहे ले सकते हैं, x² और x² बन मिलके बन जाएगा जी आपके पास 2x². उसके बाद ये हमारे पास 2x + 2x हमारे पास मिलके बनेगा यहां पे 4x, 1 ये हमारे पास सिर्फ 1 ही रह गया तो प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है y which is equal to x minus 5 into 4 minus x की पावर में minus 1 दिया हुआ है। ऑब्वियसली यहां पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, सेंटर में कोई भी ये दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये बनेगा dy over dx which is equal to पहले 2x - 5 वैसे का वैसे लिख लें, फिर आप लोग डेरिवेटिव लेंगे जी 4 minus x की पावर minus 1 का, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 4 minus x की पावर minus 1 वैसे का वैसे लिखेंगे, फिर आप लोग डेरिवेटिव लेंगे जी फर्स्ट टर्म का यानी कि 2x - 5 का। अब इसको मजीद करते हैं हम लोग सिंप्लीफाई, तो ये बनेगा आपके पास dy ओवर dx व्हिच इज इक्वल टू, अब देखें जी ये है जी आपके पास 2x - 5। अब यहां पे इसकी पावर में माइनस वन, ऑब्वियसली यहां पे पावर रूल लगेगा, माइनस वन आ जाएगा पीछे, 4 माइनस एक्स की पावर में 4 माइनस करेंगे तो माइनस 2 बन जाएगा। उसके बाद दोबारा से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 4 का डेरिवेटिव 0 होता है, एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस 1 लिख लें। उसके बाद प्लस हमारे पास है जी 4 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x का डेरिवेटिव 2, 5 का 0 होता है, ये हमारे पास यहां पे खत्म हो चुका। नेक्स्ट है जी हमारे पास dy ओवर dx व्हिच इज इक्वल टू, अब यहां पे देखिए जी आपके पास क्या बनेगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो इसको लिख लें 2x - 5 * 4 - x की पावर - 2 प्लस 2 * 4 - x की पावर - 1 यहां पे आ जाएगा। अब आप लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, ये है जी आपके पास बेसिकली 4 - x की पावर - 2 और ये है जी आपके पास 4 - x की पावर - 1। अब अगर आप लोग चाहें तो यहां से कॉमन भी ले सकते हैं, तो अगर मैं यहां से कॉमन लेता हूं जी 4 माइनस एक्स की पावर माइनस 2, देखें जी dy ओवर dx व्हिच इज इक्वल टू, तो 4 माइनस एक्स की पावर जो है ना वो माइनस 2, यहां से मैं अगर कॉमन लेता हूं तो ये बनेगा बचेगा जी हमारे पास 2x - 5 प्लस 2 इंटू, अब यहां पर जी इसकी पावर में माइनस 1 तो यहां पर बच जाएगा 4 माइनस एक्स। अब 4 माइनस एक्स कैसे कैसे बचेगा, 4 माइनस एक्स की पावर हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं होता, वहां पे हमारे पास होता 1, ठीक है,
तो ये माइनस टू है। अब इसको अगर इसके साथ करता हूँ मल्टीप्लाई, इसकी पावर ये भी फोर माइनस एक्स है, ये भी फोर माइनस एक्स है, इसकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, माइनस टू प्लस वन करेंगे तो माइनस वन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, अब आपको समझ आइए, यहां से मे भी आप कंफ्यूजन हो रही हो कि यहाँ पे हमने कॉमन लिया फोर माइनस एक्स की पावर माइनस टू, यहाँ पे तो फोर माइनस एक्स की पावर माइनस टू मौजूद ही नहीं है, यहाँ पे तो हमारे पास माइनस वन तो मौजूद है ना, मैंने ये लिया कॉमन माइनस टू, ये हमारे पास वैसे वैसे आ गया टू एक्स माइनस फाइव प्लस टू इंटू, यहाँ पे फिर बचेगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फोर माइनस एक्स बचेगा, क्योंकि अगर मैं फोर माइनस एक्स की पावर हमारे पास वन को माइनस टू के साथ जमा करता हूँ, माइनस टू प्लस वन करता हूँ, तो फिर हमारे पास माइनस वन आता है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे बचेगा फोर माइनस एक्स। ठीक है जी, इस तरह से हमने कॉमन लिया, इसको ऊपर वन लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू फोर माइनस एक्स की पावर माइनस टू, इनको आप सिंप्लीफाई कर ले, टू एक्स माइनस फाइव प्लस फोर टू को करेंगे तो एट प्लस माइनस माइनस टू एक्स आ जाएगा, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा जी आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू फोर माइनस एक्स की पावर माइनस टू। अब ये भी टू एक्स है, ये भी टू एक्स हो गया, आपस में कैंसल, माइनस फाइव प्लस एट करेंगे तो बनता है जी आपके पास थ्री, तो फिर आपके पास फाइनल आंसर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा थ्री, पहले लिख रहे बाद में लिख रहे फोर माइनस एक्स की पावर माइनस टू, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स। ठीक है जी, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो बोल स्टूडेंट्स देख रहे हो तो सब्सक्राइब नहीं करते, आपके रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब लाजमी किया करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं, कहता है y which is root theta square plus secant theta plus one whole cube, उसने आपको दिया हुआ है, तो डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे dy over dx, यहां पे आपके पास ऑब्वियसली पावर रूल लगेगा तो थ्री आ जाएगा पीछे, ये बनेगा जी थीटा स्क्वायर प्लस सीकेंट थीटा प्लस वन, पावर में एक माइनस करेंगे तो टू आ जाएगा, अब दोबारा से इस फंक्शन का मिलेगा डेरिवेटिव, तो थीटा स्क्वायर का बनेगा जी आपके पास टू थीटा प्लस सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है जी सीकेंट थीटा टेन थीटा, तो प्लस वन का डेरिवेटिव जीरो होता है, उसको रहने देते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू, ये है जी आपके पास, अब देखिए थीटा स्क्वायर प्लस सीकेंट थीटा प्लस वन टू थीटा प्लस सीकेंट थीटा टेन थीटा, तो यही आपके पास इसका जो है वो सिंपल आपके पास आंसर है, इसको पहले लिखना चाहते हैं पहले लिख रहे हैं थ्री इंटू टू थीटा प्लस सीकेंट थीटा टेन थीटा, और साथ है जी आपके पास थीटा स्क्वायर प्लस सीकेंट थीटा प्लस वन होल स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवन। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर एट की, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं, वाई विच इज इक्वल टू माइनस वन माइनस को सेकंड थीटा बाय टू माइनस थीटा स्क्वायर बाय फोर होल का स्क्वायर, उसने आपको दिए हुए, तो यहाँ पे ऑब्वियसली होल का स्क्वायर जब आपको दिया हुआ है तो डी वाई ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर लग गया टू आ जाएगा पीछे, माइनस वन माइनस को सेकंड थीटा ओवर टू माइनस थीटा स्क्वायर ओवर फोर, इसकी पावर एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे वन रह जाएगा, अब दोबारा से इसका हमें डेरिवेटिव लेना है तो माइनस वन का डेरिवेटिव होगा आपके पास जीरो, उसके बाद जी माइनस कोसेकेंड थीटा का डेरिवेटिव तो माइनस कोसेकेंड थीटा कॉट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा, इसका डेरिवेटिव होता है बटे में आपके पास है जी यहाँ पे टू, बटे में टू लिख लें यहाँ पे, उसके बाद है जी माइनस थीटा का डेरिवेटिव, यहाँ पे ऑब्वियसली थीटा यूज होता है, हम डेरिवेटिव भी थीटा की रिस्पेक्ट से ही लेना है, डी वाई ओवर डी थीटा की रिस्पेक्ट से लेना है, तो ये बनेगा जी आपके पास टू थीटा बाय फोर, ये चीज आपके पास यहाँ पे बन जाएगी। ओके हो गया जी, अब यहाँ पे मजीद इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा आपके पास डी वाई ओवर डी थीटा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टू इंटू माइनस वन माइनस कोसेकेंट थीटा बाय टू माइनस थीटा स्क्वायर बाय फोर, अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर तो आपस में बन जाएंगे प्लस, इस टू को आप कैंसिल कर सकते हैं, टू टू बार फोर होता है, तो ये बनेगा जी आपके पास कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा, बटे में आपके पास टू है माइनस थीटा बाय टू आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब आप लोग यहां से अगर आप लोग चाहें तो वन बाय टू को आपको कॉमन ले सकते हैं, वन बाय टू को कॉमन लेते हैं यहां से, तो जी हाँ जी आपके पास डी वाई ओवर डी थीटा विच इज इक्वल टू टू इंटू माइनस वन माइनस कोसेकेंट थीटा बाय टू माइनस थीटा स्क्वायर बाय फोर, अब यहां से अगर मैं वन बाय टू को लेता हूँ कॉमन तो यहां पर आपके पास बचेगा कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा माइनस थीटा बच जाएगा। ठीक है जी, अब क्योंकि दोबारा से अगर 1 बाय 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वही चीज आपके पास यहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो मैंने 1 बाय 2 को यहाँ से कॉमन ले लिया, 1 बाय 2 को कॉमन क्यों लिया, रीजन क्या है, ताकि ये वाला 2 इस 2 से हो जाए कैंसिल, तो इसको पहले लिख लें, इसको लिख लें, इसको पहले लिख लें, इसको लिख लें डी वाई ओवर डी थीटा विच इज इक्वल टू, यही आपके पास का फाइनल आंसर आ जाएगा, माइनस वन माइनस कोसेकेंट थीटा बाय टू माइनस थीटा स्क्वायर ओवर फोर, और साथ है जी आपके पास कोसेकेंट थीटा
cot theta minus theta. This is the final answer of question number 8. नेक्स्ट हमारे पास 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल दोनों सेम है, इसके अंदर भी आपके पास क्वेश्चन रूल ही लग रहा है, क्वेश्चन 9 में भी क्वेश्चन रूल ही लग रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन समझ लेना आप इजीली कर सकते हैं। तो देखें जी, हम यहां पे क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो ये बनेगा जी, आपके पास यहां पे टी के तो डेरिवेटिव हम टी की रिस्पेक्ट से लेंगे, डीएस बाय डीटी व्हिच इज इक्वल टू। अब यहां पे क्वेश्चन रूल लगे, क्वेश्चन रूल वाली अगर आपने लेक्चर देखा हो तो आपको इजीली यहां पे समझ आ जाएगी। नीचे वाली टर्म का हम स्क्वायर स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर रूट टी माइनस 1 का स्क्वायर, ऊपर जो है सबसे पहले नीचे वाली टर्म हम लोग वैसे का वैसे लिखते हैं, फिर हम लोग जो है वो डेरिवेटिव लेते हैं ऊपर वाली टर्म का इनके वन का, फिर माइनस लिखते हैं, फिर वन वैसे का वैसे लिखते हैं, फिर हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं जी नीचे वाली टर्म का स्क्वायर रूट टी माइनस 1। अब इसको करते हैं हम लोग सिंप्लीफाई, तो डी एस बाई डी टी विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टी माइनस 1 आ जाएगा। अब 1 का डेरिवेटिव आपको पता है 0 होगा, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा माइनस 1, इसका डेरिवेटिव ये टी की पावर बेसिकली 1 बाय 2 है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट टी, माइनस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, उसको रहने देते हैं ठीक है जी। स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट टी, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे आपके पास क्या आएगा जी स्क्वायर रूट टी माइनस 1 होल का स्क्वायर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें डी एस बाई डी टी विच इज इक्वल टू, ये 0 से आपको मल्टीप्लाई सारा सारा 0 हो जाएगा, तो ये ऊपर बचेगा जी माइनस माइनस 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट टी, और डिनोमिनेटर में जी आपके पास स्क्वायर रूट टी माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो डिनोमिनेटर के अंदर 2 इंटू स्क्वायर रूट टी है, ये बेसिकली इसके साथ आप लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जो बटे के साथ चीज आप लोग दोनों आपस में हो जाती है मल्टीप्लाई, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर, इसको नीचे लिख रहे हैं 2 इंटू स्क्वायर रूट टी और स्क्वायर रूट टी माइनस 1 का स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो यही था जी आज का लेक्चर, हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक देखिए बात की, अगर आपको कहीं से क्वेरी होती है आप लोग इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, इसके बाद हम इंशाल्लाह एक्स्ट्रा लेक्चर्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। उससे पहले सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया सब्सक्राइब लाजमी कर दिया, अगर फैमिली सलाम शेयर किया करें, अपना भी ख्याल रखें, चैनल का भी ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।